धमाकेदार होने वाली है गाइज। आज हम लोटे और अनार का टेस्ट करेंगे गाइज। अनार को नीचे रख के लोटा उसके ऊपर रखेंगे गाइज। अनार जब जलती है तो कम से कम 2000 से 3000 डिग्री तक की फायर छोड़ती है, और लोटा जो है वो स्टेनलेस स्टील का होता है, वो कम से कम 4000 डिग्री सेल्सियस पे पिघलता है। और आप सोच सकते हो लोटे का क्या हाल होगा, तो हम लोटे को उसके ऊपर लगा के देखेंगे उसके अंदर छेद निकलता है या वो मतलब पिघलता है। तो गाइज वीडियो में जरूर से बने रहिएगा एंड तक। तो गाइज चलो वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज आपको मैं एक बार फिर से बता दूं, आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा, आप हमें कमेंट करें, हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे धमाकेदार। गाइज हमने अनार सेट कर दी हमारी, हमने पत्थर इसलिए लगाए गाइज साइड में क्योंकि हमारा जो लोटा है वो थोड़ा छोटा है अनार के साइज से, और अब ये लोटा इसके ऊपर आ जाएगा ताकि ये मतलब जलने में इसको अनार को कोई दिक्कत ना हो। तो अब इसको जलाते हैं और देखते हैं इसका रिएक्शन। गाइज इसको आप देख सकते हो, इसने मतलब लोटे को एक सेकंड में पार कर दिया एक ही अनार ने। तो गाइज ये लोटे के अंदर से जल रही है अनार। गाइज आप लोटे को देखते हो पूरा एकदम लाल हो रहा है एकदम। गाइज ये पूरा मतलब आप देख सकते हो पूरा जल चुका है एक साइड से। गाइस इसका हालत देख सकते हैं आप इसके लोटे की। गाइस दो छेद किए इसने गाइस, एक बार और जलाते हैं पूरा इसको, गायब करते हैं ऊपर वाले मतलब नीचे वाले थल्ले को। तो एक बार और टेस्ट करके देखते हैं गाइस। बस फिर से एक बार ये इस साइड से एक साइड से पूरा गायब हो चुका है पूरा। गाइस इस लोटे की हालत आपने देख ली। गाइस हमने दो बार इसमें अनार जलाई है, अब इसको एक बार वीआईपी से उड़ा देते हैं गाइस। अब लोटा तो हमारे कुछ काम का है नहीं। साफ साफ बन चुका है पूरा ये, तब हमारे कोई काम का नहीं है। हमारे पास ये सबसे बड़ा जो साइज का टिफिन आता है वो है उसका मतलब कटोरी है एक, तो इसको ट्राई करते हैं एक बार गाइस। गाइस इससे भी है आर पार हो चुका है पूरा, और गाइस इसमें इसने पूरा छेद किया बीच में सेंटर में एकदम। गाइस इसको भी आपने देख लिया, इसने पूरा छेद कर दिया सेंटर में एकदम। और गाइस ये भी स्टेनलेस स्टील का है, तो 2000 डिग्री से आप देख सकते हो ये पिघल चुका है वैसे। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और गाइस ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो गाइस मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।